राजा वीरभद्र सिंह जो थे उनका साहित्य के लिए बहुत प्रेम था, तो इसलिए हमारा जुड़ाव उनके साथ था और उनको हम जो चीज़ बोलते थे वो कर देते थे। हरनोट जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस वर्ष का बुक फेयर क्या लक्ष्य प्राप्तियाँ हुई, क्या इसमें दिक्कतें आई, और क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि लेखकों का जमावड़ा हो रहा है, पाठकों का जमावड़ा हो रहा है, प्रकाशकों का जमावड़ा हो रहा है, और बीच बीच में कई बार सुनने में भी आया है कि शायद पुस्तक मेला होगा ही नहीं, जबकि अब ये शिमला की जून महीने की हमारी जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं उसका एक ही प्रमुख अंग बन गया है। कुछ बताइए आप इसके बारे में। गुप्ता जी, जैसा आप जानते हैं कि ये 8वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला है, और जब पहला पुस्तक मेला लगा था तो सहयोग वर्ष जो ओकार डेलिया थे, राकेश गुप्ता जी हैं, सचिन जी हैं, उनको किसी ने सुजेस्ट किया था कि अगर शिमला में आपने फेयर लगाना है तो हरनोट जी से मिल लेना, तो ये मिले तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ इस तरह के मेले या तो NBT लगाता था, वो कभी कभार लगाता था NBT, तो मुझे ये लगा कि अगर यहाँ बुक फेयर लगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा, और एक शिमला की उससे बुक फेयर से आइडेंटिटी भी बनेगी, और जो पाठक वर्ग है जो वंचित रह जाता है किताबों से, प्रकाशकों के नाम नहीं जानता, मतलब वो भी ठीक होगा। तो जैसे कैसे हमने गेटी से शुरू किया था, गेटी में उस टाइम कभी बड़े प्रकाशक आते थे, जो नहीं आते थे, लेकिन वो इस पुस्तक मेले की शुरुआत से ही संघर्ष भी चलता रहा, और वो संघर्ष क्या था कि इस मेले में जैसे आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि इस पुस्तक मेले में लेखक भी आ रहे हैं, किताबें भी हैं, और आलोचक भी है, कवि भी है, सारे मतलब सारी उपस्थिति है, लेकिन क्या थोड़ा सा ये लगा कि वो जो जो सरकार है अनुपस्थित है इसमें। वैसे नहीं, पर ऐसा क्यों? आप जानते हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में पुस्तकालयों के लिए और पुस्तक मेलों के लिए उन्होंने कहा है कि हम इसको जो है हर वर्ष का एक जो है प्रतिमान बनाए। वो बहुत मतलब पिछली बार भी जो पुस्तक मेला लगा, आपने देखा होगा कि हमने नगर निगम को समझाया उसके बारे में, और लेकिन पिछली बार भी यही मेयर थे और जो कमिश्नर थे उनको बुला के हमारी मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि हमने गेटी ले लिया था पिछली बार, तो हम ये चाहते थे कि उनका नाम हम डालना चाहते थे, क्योंकि कांग्रेस के प्रति आप जानते हैं कि मतलब राजा वीरभद्र सिंह जो थे उनका साहित्य के लिए और हमारे साथ बहुत प्रेम था, तो इसलिए हमारा जुड़ाव उनके साथ था और उनको हम जो चीज़ बोलते थे वो कर देते थे। अगर उनको ये पता लगता, जैसे मैं आपको पर्सनली धर्मपत्नी जो अध्यक्ष थी कांग्रेस, मैंने उनको फोन किया आप पुस्तक मेले में आ जाइए, कहते हैं नोटी पर घूम के चली गई, बताया तक नहीं उन्होंने, और वो यहाँ से कुछ किताबें भी ले गई, फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप दोबारा आएँ।